फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह 9 बजे है, फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, वो खोल कर रखे, और मैंने सोचा कि ये होल्ड करते करते काम भी हो जाएगा और बातचीत भी हो जाएगा आप लोगों से। तो लाइट कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, दिखाई तो देख रहे हैं। तो क्या हुआ, तो कल शाम को एक क्या कहूँ उसे, एक रिडिकुलस भी कह सकते हैं और दुखदायक भी कह सकते हैं, ऐसे एक बात सुनी मैंने। तो ठहरे, पहले बातचीत कर लेते हैं फिर कपड़े फोल्ड करते हैं। तो कल शाम को एक रिडिकुलस बात सुनी मैंने। तो मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ घर पे, तो हमारा जो पड़ोस में जो आसपास रहते हैं, तो वो लोग सोचता है कि ये क्या कर रहे हैं, हर दिन बक बक करता रहता है, कोई भी नहीं रहता घर पे, 2 बच्चे रहते हैं सिर्फ, और ये क्या करता रहता है कि ब्लॉगिंग करता, मैंने क्या करता है। उस लोगों को ऐसे पता नहीं है कि ब्लॉगिंग करना क्या है, क्या होता है ऐसे। तो तो मेरा जो उधर का एक पड़ोसन है, तो उसने तो कल शाम आए थे मेरे घर, तो उसने तो पूछ ही ली कि क्या हुआ, अब इतना अकेले में इतना बकबक करते हो, किसके साथ बकबक करते हो? तो मैंने बोली कि मेरा एक चैनल है और मेरा फ्रेंड लोगों के साथ मैं बात करती हूँ, वो लोग है, वो कमेंट में मेरे साथ बात करते हैं और वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कैमरा के ज़रिए उसके साथ बात करती हूँ और वो मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं फ्रेंड लोगों के साथ ऐसे बात करती हूँ। तो उसको समझ में नहीं आया, बोले क्या हुआ, क्या यूट्यूबर क्या होता है, क्या है ये यूट्यूब करके कुछ नहीं मिलने का, क्या होता है ये यूट्यूब, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तुम हाउस वाइफ हो, घर के तरफ ध्यान दो, बच्चों के तरफ ध्यान दो, यूट्यूब करना बेफिजूल है, तो ऐसे बोल के गया। तो मुझे ये सोच में नहीं आया, समझ में नहीं आया कि मैं इस बात में हंसूं या मैं सैड हो जाऊं। एक मिनट, ओ मेरी बेटी को खाना दे के आई, इसलिए थोड़ा पॉज किया था। तो हाँ, तो जो बात बोल रही थी मैं, तो हर कोई नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि यूट्यूब करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिजूल है, और जिसका कोई काम नहीं है वो यूट्यूबिंग करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं ऐसे करके। लेकिन दोस्त लोग, आप भी मुझे कमेंट में बताना, यूट्यूबिंग करना क्या सिर्फ पैसे के लिए लोग करते हैं? नहीं है, पैसे एक रीज़न है, बट प्राइमरी जो रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो करते हैं यूट्यूबर, वो बहुत तकलीफ़ उठा के करते हैं, सारे घर के काम निपटा के फिर फ्री टाइम में उसका जो मी टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उससे करते हैं। इतना इजी टास्क नहीं है यूट्यूबिंग करना, तो उन लोगों को समझ में नहीं आते। तो चलिए, हमारा काम भी नहीं है उन लोगों को समझना, उन लोगों को समझाना, तो मैं तो मेरे काम करती रहूँगी, मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट करता है, तो मुझे और क्या चाहिए। मेरा जो ससुराल का है, मेरा सासू माँ, ससुर जी, जो मम्मी पापा है, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा पति मुझे सपोर्ट करता है, मेरा मम्मी पापा मायके में, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और माइंड नहीं करते, लेकिन मुझे हंसी आते हैं ऐसे कॉमेंट जब करते हैं लोग, तो यही बात है। तो चलिए, बक बक करते करते टाइम जा रहे हैं, वो काम जरा निपटा ले, ये कपड़े बबड़े फोल्ड कर ले, और आपका जो राय है वो ज़रूर कमेंट में बताना कि यूट्यूबिंग करना क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, यूट्यूब करके कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे लोग सोचते हैं। तो मेरा जो राय है वो तो मैंने बताई है, तो मैं मेरी बात कर सकती हूँ कि आई एम पैशनेट अबाउट यूट्यूब, ये जो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ ना, ये मेरा पैशन है यूट्यूबिंग करना। तो आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताना ब्लॉगिंग कमेंट में, और चलिए एक हफ्ते फोल्ड वोल्ड कर लेती हूँ, और बेटी को पढ़ानी भी है क्योंकि उसका एग्ज़ाम आ रही है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ेगा।
तो चलिए काम कर लेती हूँ। लता जी का जो गाना होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। जो बंगाली है, बंगाली में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और हिंदी का भी जो पुराने वाला गाने हैं, तो मैं जो सुबह उठती हूँ ना तो कभी कभी वो गाना सुन लेती हूँ। तो वो गाना सुनने से आपका दिन बन जाता है, एक रिफ्रेशिंग सा हो जाता है मन में, तो काम करने का भी जो इच्छा है वो भी बढ़ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। तो मैं कभी कभी ये मेरा एक फेवरेट गाना है जो मैं गुनगुना रही थी, और भी बहुत सारे फेवरेट गाने हैं। तो मैं गाना ज़्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ, गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आते हैं, लेकिन गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। पता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ मैं, लेकिन गुनगुना लेती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है। तो चलिए मेरा कपड़े फोल्डिंग कंप्लीट हो गए, यहाँ पर हमने रख दी सब, तो इसको वार्डरोब में डाल देंगे। तो चलिए अभी अभी के लिए ये ब्लॉग यहाँ पर पॉज करते हैं, बेटी को पढ़ानी है पढ़ाई ले और फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो हम आ गए हैं किचन में, तो आज बनाऊंगी मैं मसाला पनीर, तो मसाला पनीर बनाऊंगी और फिर उससे बनाऊंगी पनीर पकौड़ा। तो तुम फ्रूट्स खाओ ना, वहाँ पर कले है, तला है, जब बनाना है ना उस पर, वहाँ पर। तो पनीर बनाएंगे और फिर उसके पकोड़ा बनाएंगे। बनाना यानी केला। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो क्योंकि आज लंच में वो दाल है थोड़ा सा, और दाल के साथ ये पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए बना लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे
पकौड़ा करेंगे। अब इसमें देंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। अब इसमें नींबू भी चढ़ देंगे। देखिए एक फट गए हैं। फट गए हैं, इसको छान लेंगे। तो देखिए दूध ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत थोड़ा सा हुआ। और फिर है मेरे पास स्टोर बोर्ड पनीर है, तो उससे मिला के हम पकौड़े बना लेंगे। तो इससे पकौड़े बनाएंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक प्याज, एक हरी मिर्च, बेसन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, एक अंडे और थोड़ा सा पनीर। तो ये तो बहुत कम है, तो इससे नहीं होगा, थोड़ा सा पनीर और भी अच्छा लगता है। तो चलिए वो पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये सब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हो गया है एकदम परफेक्ट तैयार। तो मेरे जो दूध था, मेरे दूध में पानी शायद थोड़ा ज्यादा हो गए थे, इसलिए ज्यादा पानी नहीं बना। लेकिन आप लोग बनाएंगे तो रॉ मिल्क से बनाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने मेरा स्टोर बोर्ड पनीर था तो वो ही मिला ली थी, अच्छा लगता है। तो जरूर ट्राई करना घर में मसाला पनीर और ये
पनीर का पकौड़ा, इसलिए दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है गरम गरम। तो लंच कर लेंगे, अभी नहीं लंच का टाइम, तो कल मैं जाऊंगी मेरे बेटे को क्लास कराने के लिए, ऑनलाइन बेटी पढ़ रही है। तो ये ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे नए वाला ब्लॉग लेके। और मैं जो बोला हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना जी, ये लोग जो सब बोलते हैं ना यूट्यूबिंग वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं करना चाहिए, पागल है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्या ठीक है क्या, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।